हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इनपुट ले लिया था, मैंने सेकंड में आपको मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने क्या किया था पिछले में, मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था बुक्स नाम का, उसके अंदर चार चीज़ें थी, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी। मैंने फिर उस बुक्स टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें मैंने बुक्स टाइप के एक पॉइंटर को भेजा था। उसके बाद मेन फंक्शन को मैंने बॉडी बनाई। जब मैंने मेन फंक्शन की बॉडी बनाई उसमें मैंने एक बुक वन लिया जो कि बुक्स टाइप का था, यानी बुक वन के अंदर वो चार चीज़ें थी, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी। फिर मैंने एक एक करके उसमें इनपुट बाय यूजर्स की वजह मैंने प्रोग्राम के अंदर पहले से ही दे दिया। जब मेरे को पहले से प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम में देना था तो मैंने str कॉपी का यूज़ किया जो कि एक स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर पहले से इंक्लूडेड है, जो कि क्या करता है कि एक स्ट्रिंग को कॉपी करता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो बुक वन टाइटल, बुक वन का जो टाइटल था, जैसे मैंने बताया बुक वन में चार चीज़ें थी, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी, तो बुक वन के टाइटल में मैंने सी प्रोग्राम को स्टोर करा दिया। फिर बुक वन के ऑथर में मैंने एक्स वाई जेड को स्टोर करा दिया। फिर बुक वन के सब्जेक्ट में मैंने कंप्यूटर साइंस को स्टोर करा दिया और फिर बुक आईडी को इस तरीके से लिख दिया। अब मैं आगे आता हूँ। आगे प्रोग्राम में मैंने क्या किया था कि एक और बुक्स टाइप का मैंने बुक टू वेरिएबल लिया था। बुक टू के अंदर भी वही चार चीज़ें थी जो कि बुक्स के अंदर थी। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया बुक्स टाइप का। फिर जो पॉइंटर था उसको लोकेट करवाया लोकेशन, उसको लोकेशन दे दी मैंने बुक टू की। तो अब बुक टू की जो लोकेशन थी वो बीपी के पास थी, तो बीपी जो बुक पॉइंटर था उससे मैंने क्या किया कि चार चीज़ें जो मैंने बताई उससे इनपुट ले लिया यूज़र से। अब एक एक करके मैंने यूज़र से इनपुट लिया। यहाँ पे इनपुट लेने का तरीका पॉइंटर में अलग तरीके से बताया है मैंने, बीपी डैश ग्रेटर देन साइन टाइटल, फिर ऑथर, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बुक आईडी। इस तरीके से मैंने चारों का इनपुट ले लिया यूज़र के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट बुक बीपी। बीपी एक पॉइंटर है और मैंने ऊपर आपको देख रहा होगा फंक्शन को जहाँ पे डिक्लेयर किया है मैंने, वहाँ पर भी एक पॉइंटर को ही पास किया है। तो अब वक्त आ गया है कि हम उस जो फंक्शन हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया था अब उसको डिफाइन करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे आगे प्रिंट बुक फंक्शन को। तो आइए हम प्रिंट बुक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर रिटर्न जीरो लगा दीजिए जिससे कि वॉइड प्रिंट बुक, मैंने आपको बताया जिस तरीके की पॉइंटर वैल्यू भेजी गई है वहाँ पर बीपी। बीपी एक पॉइंटर है बुक्स टाइप का, तो यहाँ पर भी एक पॉइंटर को ही उसके थ्रू लेना पड़ेगा। तो बीपी तो बुक्स में पास हो गया वो पॉइंटर, तो वो बीपी हो चुका है बुक। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक एक करके वैल्यू से प्रिंट करवाएंगे, यूज़र ने जो इनपुट दिया था उसको प्रिंट करवा रहे हैं। सी आउट बुक टाइटल, तो बुक का जो टाइटल था जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर मैंने बीपी के टाइटल से इनपुट लिया था। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ से इनपुट जो लिया था वो बीपी के टाइटल से लिया था। बीपी यहाँ पर सेंड हो चुका है बुक के पास, तो अब बुक के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। तो बुक टाइटल के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया चार चीज़ें और ये चार चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब ये प्रोग्राम आपका रेडी हो चुका है, अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो हम रन करते हैं इसको। ओ यस, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। बुक आईडी जो है वो मैंने बताया कि बुक वन बुक्स टाइप की है, तो बुक वन के अंदर चार चीजें थी, तो हमें बुक वन डॉट बुक आईडी के नाम से इसको करना पड़ेगा स्टोर। ये आपको समझ में आ जाएगा, बुक आईडी जो है वो बुक वन टाइप। शायद मैं एक और चीज़ को मिस कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ है यहाँ पर मेरे को प्रिंट बुक, जो मैंने पहला बुक करवाया था उसको मैंने प्रिंट करवाना भूल गया मैं, तो उसको भी आप प्रिंट करवा लीजिए। वहाँ पे एक बुक वन को मैं सेंड कर रहा हूँ, पॉइंटर सेंड करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, बात बराबर पड़ गई। अब इस चीज़ को आप समझिए, ये चीज़ समझने की चीज़ है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर के थ्रू वैल्यू ली है। ये जो पॉइंटर है ये क्या ले सकता है, एड्रेस ले सकता है। तो बीपी क्या है, एक एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर बीपी एक पॉइंटर है। बीपी पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है। तो बीपी देख सकते हैं आप स्टार बुक टू एड्रेस बुक टू का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर बीपी पास कर दिया। यहाँ पर इस वाली जो बुक है, ये वाली जो बुक है बुक वन, बुक वन जो है वो बुक वन में चार चीज़ें, ये इनपुट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली करा ली थी यूज़र डायरेक्टली प्रोग्राम में करा दी थी। तो बुक वन का एड्रेस मेरे को सेंड करना पड़ेगा जिस वजह से ये बुक ले पाए। तो
तो यहाँ पर मैंने बुक वन इस तरीके से करी है। तो सबसे पहले वो बीपी हमसे इनपुट मांगेगा यूजर से, तो हम चारों का इनपुट दे देंगे और वो प्रिंट कर देगा उसको, और फिर उसके बाद वो बुक टू को बुक वन को प्रिंट करेगा। बुक वन की सारे सारे जो भी टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी है उसको प्रिंट करेगा, और फिर जो हमने यूजर की वजह से इनपुट दिया है उसको प्रिंट करेगा। देखते हैं आप किस तरीके से प्रोग्राम काम करता है। तो ये आपका आउटपुट आ चुका है, आप इस आउटपुट में देख सकते हैं एंटर बुक टाइटल, तो मैंने टाइटल यहाँ पर C++ दिया है, फिर एंटर बुक ऑथर तो ABC कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट CC ID 123, तो आप देख सकते हैं आप बुक टाइटल, तो जो मैंने पहली बुक थी वो उसको प्रिंट किया था बीपी के थ्रू, वो इस तरीके से प्रिंट हो चुकी है। C++ मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, तो यूज़र से वो इनपुट ले लिया है मैंने, और फिर जो बीपी के थ्रू मैंने पॉइंटर पास किया था, एड्रेस पास किया था बुक टू का, तो वो सेंड हो चुका है। C++ बुक टू है आपको बता दूँ, और सी प्रोग्राम जो है वो बुक फर्स्ट थी, तो वो मैंने डायरेक्टली प्रोग्राम में इनपुट दिया था। तो ये दो तरीके थे पास करने के पॉइंटर्स में। पॉइंटर जब आप एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं फंक्शन के अंदर, तब वो एड्रेस ही लेगा। एड्रेस पास करने के दो तरीके, आप या तो डायरेक्टली एड्रेस पास कर दीजिए या किसी वेरिएबल में स्टोर कराकर एड्रेस पास कर दीजिए। तो बीपी एक वेरिएबल में एड्रेस स्टोर पास करा दिया, और बुक टू का डायरेक्टली, बुक वन का डायरेक्टली एड्रेस पास कर दिया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप ध्यान से समझिएगा।